सर्वेषु सर्वस्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं छवि। आज मैं आप लोगों को थोड़ी डल सी, थोड़ी मुरझाई सी, थोड़ी सी अलग सी थोड़ी सी अजीब सी दिख रही होंगी। कोई बात नहीं है, आप सब फैमिली हो तो आप सबके सामने हमेशा एकदम से टू टाइट होकर के रेडी वेडी होकर के आना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। हमेशा एकदम टू टाइट रहना और हमेशा एकदम परफेक्ट दिखना संभव भी नहीं है। साथ ही साथ वो एक मूड होता है, एक जोन होता है कि भैया आज मुझे बहुत ज़्यादा सजने की इच्छा है, आज मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है। तो वैसे भी नवरात्रि चल रहा है और माता दुर्गा आप सबके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप सबकी जो भी मनोकामना है वो सब आपकी मनोकामना को माता रानी पूरी करें। आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, लंबी उम्र सबकी हो और सबकी सब खुशियां जो है उनको मन चाहे खुशियां मिले, वही एक छवि आप लोगों के लिए माता रानी से मांग सकती है। इससे ज़्यादा क्या मांग सकती है। तो मेरे हो गए हैं 6 डेज, आज षष्ठी और सप्तमी दोनों हैं और आज थोड़ा सा मैं लो फील भी कर रही हूँ, थोड़ा सा वीक फील भी कर रही हूँ, क्योंकि 6 डेज हो गए हैं और 6 डेज में मैं पूरे दिन में, अगर मुझसे पूछते हो तो 24 घंटे में मैं क्या खाती हूँ, 2 बार पाठ करती हूँ। तो जब मॉर्निंग में जब पाठ करके उठती हूँ तो एक एप्पल, एक काकड़ी यानी खीरा और जो वो पोमोग्रेनेट होता है ना, अनार जो होता है वो खाती हूँ बस, और एक ग्लास पानी जो शरबत बोल दो आप वो लेकर के रह जाती हूँ। पूरे दिन मेरा यही रहता है। फिर मींस जब पाठ करके उठती हूँ तो ये एक खा लेती हूँ, हो गया। फिर जब शाम में जब मैं पाठ करती हूँ और जब पाठ करके उठती हूँ तो सेम प्रोसेस होता है, एक अनार, एक काकड़ी, एक एप्पल और एक ग्लास पानी। तो पूरे 24 घंटे में हो जाते हैं 2 अनार, 2 काकड़ी और 2 एप्पल में। ये आपकी छवि पिछले 6 दिन से टिकी हुई है और अभी 4 दिन और टिकना है। तो थोड़ी वीक फील कर रही हूँ, थोड़ा लो फील कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात कुछ भी फेस के ऊपर लगाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आज मैं सबसे पहले आपको सॉरी बोलती हूँ कि आज मैं आप सबके साथ फेस पैक शेयर तो कर रही हूँ लेकिन आप सोचोगे कि छवि अपने फेस के ऊपर लगा के दिखलाएगी, तहे दिल से सॉरी। मैं 10वीं के 2 दिन के बाद से जो भी फेस पैक आप सबके साथ शेयर करूंगी वो हर एक फेस पैक मैं आप सबके साथ अपने फेस के ऊपर जरूर लगाऊंगी, बट अभी थोड़ा लो फील कर रही हूँ, इच्छा नहीं हो रही। आई होप कि आप मेरी फैमिली हो, मेरे इस प्रॉब्लम को आप समझोगे, ठीक है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, आज आ जाती हूँ मेन और टॉपिक के ऊपर। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो यकीन माने सुपर से भी ऊपर वाला फेस पैक है। यानी कि अगर किसी भी शादी पार्टी में जाने के पहले अगर आप 15 मिनट पहले इस पैक को अगर आप लगा लेते हो, इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइटेड हो जाएगी, इंस्टेंट आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो, ये तो इंस्टेंट हो गया कि भैया आप कहीं जाना है तो इस फेस पैक को लगा लिए और 15 मिनट में आपको ग्लोइंग और ब्राइट स्किन मिल गई। लेकिन अगर आप इस पैक का रेगुलर इस्तेमाल करते हो वो इम्प्रूव करने वाला है आपकी स्किन को, टेक्सचर को आपके इम्प्रूव करने वाला है। जो आप बोलते हो ना कि छवि टेक्सचर क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है, इसके ऊपर लंबा भाषण देना पड़ेगा तो फिर कभी और दे दूंगी। बट अभी मैं आपको बताती हूँ आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करने वाला, आपके स्किन के टेक्सचर को ठीक करने वाला है। आपको अगर बहुत बड़े अगर ओपन पोर्स की परेशानी है उसको ठीक करने वाला है। साथ ही साथ आपको आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला है। यानी कि अगर आज से इसको लगाना शुरू कर देते हो तो करवा चौथ तक आप खुद 1 चांद से कम नहीं दिखने वाले हो। आपकी स्किन में जो भी पिगमेंटेशन वगैरह की परेशानी है 1 महीने में 50-60% जो है आपके पिगमेंटेशन लाइट हो जाने वाले हैं। चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं उसकी परेशानी खत्म हो जाने वाली है। देखिए पिगमेंटेशन हो या फिर कोई भी पैक हो वो पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। किसी को 50% कम दिखेगा, किसी को 30% दिखेगा और किसी को तो भैया 80% भी फर्क दिखेगा। बट ये पैक से आपको फर्क जरूर दिखेगा। तो चलिए बातें तो हो गई बहुत सारी, अब बात कर लेते हैं इस पैक को बनाते कैसे हैं, इस पैक को लगाते कैसे। लेकिन उसके पहले एक बात आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे तकरीबन कल ही आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कि छवि आप कौन सा हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करते हो अपने विकनी लाइन के ऊपर।
किडनी लाइन के ऊपर जो मैं हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत टाइम अपने ब्लॉगिंग चैनल में मैं बता चुकी हूँ, और जो मेरे ब्लॉग चैनल है पुणे ब्लॉगर में बता चुकी हूँ, और बहुत बार मैं अपने रिव्यू चैनल में भी बता चुकी हूँ। लेकिन लास्ट अभी तकरीबन मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी कि कब से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 डेज में तो मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं की हूँ। लेकिन अभी इसको 1 मंथ पहले मैं परचेस की थी, और इसको मैं खुद जो है एक बार इस्तेमाल की हूँ, और मेरी जो बेटी है वो इसको 2 बार इस्तेमाल कर चुकी है, और मुझे इसका इफ़ेक्ट अच्छा दिखा है। तो और ये आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका ब्रांड का नाम क्या है, वो भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ब्रांड की बात करते हो तो ब्रांड है आपको नम्या स्किन केयर हेयर रिमूवल क्रीम फॉर इंटीमेट स्किन। अच्छा, ये सिर्फ आप अपने बिकनी लाइन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसको आप अपने अपर लिप्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने फेस चिक्स के ऊपर, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो आपके फेशियल हेयर होते हैं ना उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अंडर आर्म्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आर्म पिट्स बोल दो आप, अंडर आर्म्स बोल दो आप, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसको अपने पूरे फेस में कहीं भी, जहाँ कहीं भी आपको बाल हटाने की आवश्यकता है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फ्रैंकली अगर मुझसे अगर आप पूछते हो तो मैं अपनी बेटी के फेस के ऊपर इस्तेमाल नहीं की हूँ, मैं अपनी बेटी की अपर लिप्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं की हूँ, मुझे फेशियल हेयर है ही नहीं इसलिए मैं इस्तेमाल की नहीं, मैं और मेरी बेटी इसे सिर्फ अपने वीकली एरिया में इस्तेमाल किए हैं। अब बात कर लेते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप्स पे जाता है, और मैं तकरीबन 2 डब्बा मंगाई थी, तो 1 डब्बा मेरा ख़त्म हो चुका है, और ये जो है ये 2nd डब्बा है, और इसको तो अभी तक मैं छुई भी नहीं हूँ। आपको इसमें मिल जाता है एक आपको हेयर रिमूवल क्रीम मिल जाता है, साथ ही साथ आफ्टर पहले आपको इसको इस्तेमाल करना है, पहले आपको अपने विकनी एरिया को पहले गीला करना है, गीला करने के बाद आपको इसको अपने पूरे विकनी एरिया में लगाना है, उसके बाद 5 मिनट्स आपको रखना है, सिर्फ 5 मिनट, उससे भैया प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट्स इनफ, मतलब इनफ होता है, आपकी स्किन को बोन कर देता है, प्लस क्यों रखना ना 5 मिनट से ज़्यादा, जब 5 मिनट में काम हो रहा है तो 6 मिनट 7 मिनट रखने की क्या आवश्यकता है। आपको उसके बाद इसको वॉश कर देना है, वॉश आपको क्या करना है, एक टॉवल लेना है, उसको गीला करना है, और गीला टॉवल से उसको अच्छे से ऐसे लेना है, और ऐसे करके आपको निकाल लेना है। एक चीज़ मैं आपको फ्रैंकली बोलती हूँ, मैं जब इसको इस्तेमाल की हूँ तो एक बार अगर आप टॉवल से निकालते हो तो एक बार में मीन्स आप सोचोगे एक बार ऐसे निकाले और निकल गया, नहीं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा ये स्पैचुला लेना है, थोड़ा सा यूं घुमा करके आपको हल्का सा स्क्रब करते हुए निकालोगे ना तो छोटे छोटे बाल जो है वो भी निकल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश कर लेना है अपने एरिया को, आपका विकनी एरिया हो या अंडर आर्म्स हो, जहाँ कहीं भी आप इस्तेमाल करते हो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, आप इस सीरम को लगाओगे, हल्का सा सीरम जब आप लगा लोगे तो रेडनेस, अगर आपके अगर आप कभी भी कुछ भी लगाते हो ना हेयर रिमूवल, अगर आप लगाते हो तो आपको अगर रेडनेस हो जाता है या फिर इचिंग की परेशानी होती है तो वो सब की परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अगर आप इस सीरम को नहीं लगाना चाहते हो, वैसे ये सीरम बहुत 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 बेनिफिशियल है, आफ्टर से भी इस सीरम को लगाना ही चाहिए। उसके बाद जब आप साड़ लेकर के निकलते हो तब भी आप इसको लगा सकते हो, या फिर आप सेव करने के बाद जब वॉश करते हो उसके बाद तुरंत आप इसको लगा लें, और उसके बाद जब आप साड़ लेकर के निकलते हो उसके बाद जो आप चाहें तो एलोवेरा जेल लगा सकते हो। मुझसे पूछते हो तो मैं क्या करती हूँ, इसको लगाती हूँ, उसके बाद मैं इसको लगाती हूँ, उसके बाद मैं साड़ ले लेती हूँ, साड़ लेने के बाद जब मैं निकलती हूँ वॉशरूम से उसके बाद स्लोली उसको ड्राई करती हूँ अपने विकनी एरिया को, और उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि मैं लगा रही हूँ तो आप भी लगाइए, ये नहीं मैं आपको बोलूँगी, स्पेशली ये टीनेज के लिए बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो टीनेज को ये ख़राब करने वाला है। तो अगर आपके फैमिली में कोई टीनेज है, टीनेज गर्ल है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है, या आँख बंद करके आप अपने टीनेज बेटी को दे सकते हो इसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट करूँगी, ये सब पे इस पर लिखा है बट आप ना इस्तेमाल करें तो बेटर है। ठीक है, ऐसे ये ऑल स्किन टाइप्स को है और सबको ये सूट करने वाला है। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना पहले पैच टेस्ट करें फिर इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी गट्स वाली फीलिंग है तो मैं इसको पैच टेस्ट नहीं की थी क्योंकि मुझे ये ब्रांड के ऊपर जो है भरोसा था और मैं इसको सीधा अप्लाई कर ली थी। ठीक है, तो चलिए
अब बात कर लेते हैं इस पैक को कैसे बनाते हैं। तो इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको पपाया, यानी कि पपीता, पका हुआ आपको पपीता लेना है। और उसको आपको अच्छे से या तो स्पून के हेल्प से या फिर आप ग्राइंडर में अच्छे से उसको ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको ग्राइंड करना है और उसके बाद जो इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, टॉनिका, मेरे पास रोज पेटल पाउडर है, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो तो आप ले सकते हो। तो मैं तकरीबन इसके अंदर जो मैं पपाया ली हूँ, तकरीबन मैं नहीं भी तो 10 या 12 जो है वो पपाया अगर आप लेते हो, उसको ग्राइंडर में अगर आप ग्राइंड करते हो, तब आप आराम से इसके अंदर ऐड कर सकते हो 1 स्पून रोज पेटल पाउडर, ठीक है। अब जो इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है आपको मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी आपको कितना लेना है वो भी लेना है आपको 1 स्पून। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 चम्मच लेते हो रोज पेटल पाउडर, तो 2 चम्मच ही आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी भी, इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है। अब मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे कि छवि मेरे पास ये नहीं है, मीन्स पपाया नहीं है, तो क्या मैं पपाया जेल ले सकती हूँ। देखिए आप लेने को ले सकते हो, लेकिन फ्रेश में और जेल में थोड़ा फर्क हो जाता है। फ्रेश अगर आप लगाते हो तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सुपर से भी ऊपर वाला जो है वो इफेक्ट आएगा, और जेल में किसके स्किन के ऊपर वो क्या रिएक्ट करेगा वो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर फ्रेश पपाया लेते हो तो वो बेटर रहता है। अब आपको इसके अंदर ऐड करना है, अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट थोड़ा थिक हो गया तो आप इसके अंदर रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं आप अपने आवश्यकता अनुसार। अब जो इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है हनी। हनी आप इसके अंदर ऐड करने वाले हो 1 स्पून। अब इन सबको आपको एकदम अच्छे से कर देना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे फेस को पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर इसको तकरीबन 1 मिनट तक मसाज करना है सर्कुलर मोशन पे, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर आपको मसाज करना है। और मसाज करने के बाद जो है अपने पूरे फेस के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है। जब भी आप फेस को वॉश करते हैं उसके बाद आपका जो भी फेवरेट क्रीम है उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैम 3-4 क्रीम के बारे में आप बताइए। बहुत जल्द जो है मैं 3-4 क्रीम के बारे में स्पेशली मैं इस चैनल के ऊपर विंटर के लिए क्रीम सब लेकर के आने वाली हूँ, तो आप जरूर उस वीडियो को आप जरूर देखिए। क्रीम जरूर लगाना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ फेस के ऊपर केयर करने से नहीं होगा, आपको अपने हाथों के ऊपर भी केयर करना पड़ेगा। तो जो भी आपका फेवरेट बॉडी लोशन है उसका भी आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल स्किन टाइप्स के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, सारे स्किन टाइप्स को जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात होगा कि इस पैक को बना करके कितने दिन तक रख सकते हैं, कवर करके फ्रिज के अंदर आराम से आप 7 डेज तक इस पैक को रख सकते हो, यानी कि 7 दिन तक इस पैक को आप इस्तेमाल कर सकते हो बना करके। बट आप स्टील के बर्तन में ना डालें, कांच के या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में डालें, ठीक है। जहाँ तक बात कर लेते हो कौन से एज से लगा सकते हैं, तो अगर आपके बच्चे की उम्र आराम से 7 ईयर्स की हो गई है तो आराम से उसको आप लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल की हो गई है तब लगाइए, 7 साल की उम्र में तो उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत 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 खूबसूरत होती है। आपके मन में होगा कि इसको वीक में कितने बार लगाना है, हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगाना है 15 से 20 मिनट के लिए, यानी 10 से 20 मिनट के बीच में आपको रखना है और वॉश कर देना है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे हो मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।